नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी में। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, क्योंकि यहां पे बहुत सारे बच्चे हैं और साथ ही साथ आपको यहां पे फीडबैक भी मिल जाता है। आप कैसा लेक्चर में कर रहे हैं, आप कौन सा टॉपिक कैसे एक्सप्लेन करें, बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितने बच्चे लाइक करें या कितने बच्चे उस चीजों को शेयर कर रहे हैं या कितने बच्चे साथ में देख रहे हैं, इसका सबसे बेस्ट और बेस्ट तरीका है कि आप यूट्यूब पर अपने लेक्चर को अपलोड करिए। वहां पे आपको फीडबैक मिल जाएगा, कितने बच्चे देखिए, सारा ओवरव्यू वगैरह, एनालिटिक्स वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। और अगर आप टीचिंग करियर की शुरुआत करना चाहते हैं ऑनलाइन में, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताते जाऊंगा कि आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या क्या चीजें आपके पास में होनी चाहिए। इक्विपमेंट से लेकर के यूट्यूब चैनल से लेकर के सारी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि क्रिएट अ न्यू यूट्यूब चैनल। ठीक है, अब न्यू यूट्यूब चैनल क्यों? आपका बहुत पहले से कोई चैनल होगा यूट्यूब पे, हो सकता है आप अगर ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास में एक चैनल हो, या जिस चैनल से आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं आप सोच रहे हैं उसी पे वीडियो डालने में क्या बुराई है। तो देखिए, न्यू चैनल क्रिएट करने से आपको फायदा क्या क्या होगा? सबसे पहले तो सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपको नया चैनल क्रिएट करना चाहिए। दूसरा चीज, अगर आपको पता है कि यूट्यूब का AI वर्क करता है, एनालिटिक्स वगैरह ये सारी चीजें मैटर करती है, तो अगर आप आज से कोई नया चैनल बनाएंगे और वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो ही डालेंगे उस पर, तो होगा क्या कि उसका एनालिटिक्स इस तरीके से बनेगा कि आपका चैनल सिर्फ और सिर्फ वो जो लोग जो पढ़ना चाहते हैं उन्हीं के पास में जाएगा। तो आपको हमेशा नया चैनल बनना चाहिए सिक्योरिटी पर्पज से भी और यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से भी। आपके पास अगर कोई पुराना चैनल है उसको रहने दीजिए, आप एक नया चैनल क्रिएट करिए, उस पर वीडियो डालना शुरू करिए। अब वीडियो डालने के लिए आपके पास में जरूरत क्या क्या चीजों का पड़ेगा, यानी आपके पास में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, इक्विपमेंट आपके पास में क्या क्या होना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं ना, तो जरूरी नहीं कि मेरी तरह आप स्मार्ट बोर्ड वगैरह लेकर के खर्चा करके तभी आप ऑनलाइन में आएंगे तो चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आपके पास में एक चीज होगा ही जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मोबाइल। ठीक है, एक बोया का माइक ले लीजिएगा, कोई भी माइक ले लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐसा लिंक भी दे दूंगा। 800 से 1000 के बीच में आपको माइक मिल जाएगा, काफी बेस्ट क्वालिटी का माइक रहता है, आपको कोई भी एक्सपेंसिव माइक लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा चीज जो आपको चाहिए होगा वो चाहिए होगा स्टैंड। अगर आपके पास में स्टैंड नहीं है तो स्टैंड सबसे ज्यादा जरूरी चीज है अगर आप ऑनलाइन में लेक्चर रिकॉर्ड करना चाहते हैं, क्योंकि अगर लेक्चर हिलेगा ना, वीडियो वगैरह हिलेगा, तो बहुत सारे बच्चे आपके उस वीडियो को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उसको मतलब जो लेक्चर है, मान लीजिए वीडियो है, वो शेक कर रहा है या कुछ भी। इसलिए सबसे पहले आपको एक स्टैंड लेना चाहिए, माइक लेना चाहिए, उसके बाद में मोबाइल आपके पास में है, तीनों चीजों को आपस में कनेक्ट करिए और वीडियो शूट करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से सारी चीजें कनेक्ट होगी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर दोनों पर लिंक दे दूंगा, जिसमें पूरा ट्यूटोरियल मैं बता दिया हूँ अगर आप मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो किस तरीके से करें। उसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, टाइप्स ऑफ वीडियो। आप किस तरीके का लेक्चर वीडियो बनाना चाहते हैं? अब हो सकता है आप ना लेक्चर टाइप बनाना चाहते हैं, जैसे लेक्चर टाइप क्या है कि यहाँ पे एक बोर्ड है और बोर्ड पे मैं कोई भी चीजें समझा रहा हूँ, साथ ही साथ मैं भी आ रहा हूँ और बोर्ड भी मेरा आ रहा है, तो इसको बोलेंगे लेक्चर टाइप। दूसरा हो सकता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग टाइप। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्या होता है, सपोज करिए ना कि आप ना कोई भी कोडिंग वगैरह की चीजें सिखा रहे हैं बच्चों को, ठीक है, या आप कुछ ऐसा ट्यूटोरियल वगैरह सिखा रहे हैं, जैसे एडोब प्रीमियर प्रो या कोडिंग या कोई भी अदर ट्यूटोरियल सिखा रहे हैं जिसमें बच्चों को डिस्प्ले दिखना चाहिए, तो उस चीजों को हम लोग बोलेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला फेस। ठीक है, तो आप चाहे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेक्चर, आप अपने लेक्चर का टाइप डिसाइड करिए कि आपको किस टाइप का लेक्चर मतलब किस तरीके का लेक्चर रिकॉर्ड करना है। तीसरा हो सकता है आपका PPT वाला फॉर्म, जैसे बहुत सारे आप कोचिंग वाले को देखते होंगे, खासकर अन अकेडमी वगैरह वालों को, कि वो लोग क्या करते हैं PPT बना लेते हैं, साइड में रहते हैं, एक गोला सा उनमें चेहरा आते रहता है उनका, और वो PPT पे एक्सप्लेन करते जाते हैं। और आपको इन तीनों में से किसी भी तरीके का लेक्चर रिकॉर्ड करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपको PPT से पढ़ाना है तो उसका भी मैं एक डिटेल में वीडियो बना दिया हूँ, अगर आपको व्हाइट बोर्ड से पढ़ाना है उसका भी मैं एक डिटेल में वीडियो बना दिया हूँ। और अगर आपको ये डिटेल में देखना है कि किस तरीके से आप सेटअप करेंगे, अगर आपको व्हाइट बोर्ड पर रिकॉर्ड कर रहे हैं लेक्चर और उसको देखना चाहते हैं, तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या आई बटन पर लिंक है, आप जाकर के देख सकते हैं। अगर आप PPT वगैरह से पढ़ाना चाहते हैं उसका भी मैं डिटेल में सेटअप वगैरह कर दिया हूँ, वो भी आप वीडियो आई बटन पर लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी, वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि अपने टॉपिक को पढ़ाने से पहले उसको पूरा रट लेते हैं या पूरा चीजों को लिख देते हैं, उसके बाद में समझाते हैं। ठीक है, ऐसी चीज आप नहीं करिए। आपने अभी मेरा जो भी वीडियो देखा अभी तक, देखिए मैंने क्या किया कि मैंने उसको ना पॉइंट लाइन कर दिया हूँ। क्या किया हूँ, जैसे देखिए, एक पॉइंट यहाँ पे लिखा, एक पॉइंट यहाँ पे लिखा और इसको एक्सप्लेन किया, एक पॉइंट यहाँ पे लिखा और इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यानी कि आप अपने लेक्चर को पूरा का पूरा लिख नहीं दीजिए, PPT में पूरी चीजें समझा नहीं दीजिए। हाँ, कुछ इमेज कुछ टेक्स्ट वगैरह यूज कर सकते हैं, और बाकी जो एक्सप्लेनेशन वाली चीज है वो आप एक्सप्लेन करिए और साथ ही साथ उसको लिखते जाइए। वो होगा क्या ना कि इंगेजिंग रहता है लेक्चर, और साथ ही साथ आप भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हाँ एक इमेज पे पूरा लिख दिया और उसमें बैठ करके उंगली से समझा रहे हैं कि अच्छा ये यहाँ पे है, वो यहाँ पे, ऐसी चीजें नहीं चलती है यूट्यूब पे। तो आप क्या करिए, आप जो भी लेक्चर की चीजें उसको पॉइंट आउट कर दीजिए,
और वहां पे जो जो चीज आप बताते जा रहे हैं वहां पे साथ ही साथ एक्सप्लेन करते जाइए। अब बात करते हैं अगली चीजों। अब बहुत सारे लोग जब यूट्यूब पे आते हैं ना तो वो पढ़ा तो रहे हैं जिंदगी भर हिंदी में, ठीक है, लेकिन वो आते हैं यूट्यूब पे तो शुरू कर देते हैं इंग्लिश में, ठीक है, कुछ दिनों तक वीडियो डालते हैं फिर उसके बाद बंद कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे जो मेजर रोल प्ले करता है वो होता है लैंग्वेज। आप चाहे हिंदी में पढ़ा रहे हैं, चाहे इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, चाहे तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, कन्नड़, गुजराती, किसी भी भाषा में अगर आप पढ़ा रहे हैं, हर भाषा के स्टूडेंट आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप उस लैंग्वेज को चूज करिए और उसी लैंग्वेज में अपने वीडियो को रिकॉर्ड करिए। सपोज करें ना मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, या कभी कभी इंग्लिश वर्ड यूज करता हूँ, यानी इंग्लिश, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इंग्लिश यूज करूंगा, मैं कंप्लीटली इंग्लिश पर नहीं जाऊंगा, मैं कंप्लीटली हिंदी पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। अगर पूरी तरीके से मुझे हिंदी बोलने के लिए कह दिया जाए तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, और पूरी तरीके से इंग्लिश में बोलने के लिए कह दिया जाए तो शायद मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो इन चीजों के लिए आप वो, अगर आप ना कोई भी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं या ज्यादा से ज्यादा समय अपने वीडियो को रिकॉर्ड करने में दे रहे हैं, तो सबसे पहले ना आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज को चूज करिए, क्योंकि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, जिस लैंग्वेज में आप बातें कर रहे हैं, उस लैंग्वेज में अगर आप समझाएंगे तो आपके लैंग्वेज के बच्चे जो होंगे ना वो आपसे जुड़ेंगे, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे उस चीजों को देखेंगे और आपके लेक्चर का बेनिफिट उठाएंगे। इसलिए हमेशा YouTube पे शुरू करने से पहले आप अपने लैंग्वेज का भी खास ध्यान रखिएगा, वही लैंग्वेज चूज करिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। छठा पॉइंट है वो ये है कि बेसिक नॉलेज ऑफ एडिटिंग, यानी कि आपको ना थोड़ा बहुत एडिटिंग का नॉलेज होना चाहिए, और जरूरी नहीं आपको कंप्यूटर में नॉलेज होना चाहिए, आपको फिल्म वगैरह आना चाहिए, आपको साइबर इंफॉर्मर डायरेक्टर आना चाहिए, आपको एडोब प्रीमियर प्रो आना चाहिए, जरूरी नहीं है, आपको काइन मास्टर आना चाहिए, जरूरी नहीं। कोई भी एक सॉफ्टवेयर जिसको आप इजीली यूज कर पा रहे हैं उस सॉफ्टवेयर का यूज करिए और बेसिक नॉलेज ऑफ एडिटिंग रखिए। जैसे लेक्चर वीडियो में ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, हाँ कहीं पे कुछ गलत हो गया हो, या हो सकता है कि अननेसेसरी की चीजें आ गई हो, या कभी फोन आ गया, उस चीजों को कट करना होता है, या हो सकता है कहीं पे कुछ गलत वर्ड यूज हो गया हो या गलत एक्सप्लेन हो गया हो, वो चीजें कट करना है। तो सिंपली आपको क्या जाना है, कट जानना है, कैसे मर्ज करना है वीडियो के क्लिप को, और ये सारे ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। 10 से 15 मिनट का एक ट्यूटोरियल होता है। अगर आप मोबाइल पे शुरू करना चाहते हैं, और हाँ यहाँ पे एक पॉइंट और है कि डोंट वेट फॉर पीसी, यानी कि अगर आपके पास में कंप्यूटर नहीं है, आप कंप्यूटर का इंतजार नहीं करेंगे, कंप्यूटर आएगा तो एडिटिंग सीखेंगे, तो पीपीटी बनाएंगे, तो चीजें करेंगे। बहुत सारे लोग मिलियन सब्सक्राइबर हैं उनके, और वो लोग ना सिर्फ उसे मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, और ना ज्यादा कुछ होता भी नहीं है, बस बेसिक सा एडिटिंग होता है उनका, और वो बेसिक सा एडिटिंग आप काइन मास्टर में कर सकते हैं, आप वीएन में कर सकते हैं, आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ठीक है। मेरा एक वीडियो भी था कि कौन सा सॉफ्टवेयर बढ़िया रहेगा वीडियो एडिटिंग के लिए, तो वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको नॉलेज होगा ना बेसिक सा एडिटिंग का, तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में चले जाएं, चाहे फिल्मोरा में चले जाएं, चाहे साइबरलिंक पावर डायरेक्टर में चले जाएं, चाहे एडोब प्रीमियर प्रो में चले जाएं, एडिटिंग सेम होने वाली है, कंसेप्ट एडिटिंग का सेम होने वाला, उसका भी काम सुधार करना है और इसका भी काम सुधार करना है। सॉफ्टवेयर का इंटरफेस हो सकता है हल्का इधर उधर हो, बट कंसेप्ट सारी चीजों में सेम ही रहेगा, इसलिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए एडिटिंग का। और हाँ, जो वीडियो अभी तक देख रहे हैं उनके लिए बोनस पॉइंट ये है कि अगर आप किसी भी टॉपिक के लिए पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं एसएससी के लिए पढ़ाना, आप चाहते हैं रेलवे के लिए पढ़ाना, आप चाहते हैं बैंकिंग के लिए पढ़ाना, आप चाहते हैं ट्वेल्थ के लिए पढ़ाना, आईआईटी, मेडिकल, जेई, नीट, जिस भी चीज़ों के लिए पढ़ाना चाहते हैं, आप अगर शुरुआत करना चाहते हैं और चाहते हैं शुरुआत में ही बच्चे आपको अच्छा प्यार दें, अच्छा रिस्पॉन्स दें, तो आप हमेशा ना उस फील्ड के, जिस भी फील्ड में आप हैं उस फील्ड का फेमस बुक उठाइए, ठीक है। अब सपोज करिए ना कि कोई भी लोग यूपीएससी वगैरह की तैयारी करा रहे हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी पकड़ सकते हैं। कोई भी लोग हो सकता है रेलवे वगैरह की तैयारी कराते हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, यूथ वगैरह का बुक पकड़ सकते हैं जो कि फेमस है मार्केट में। अगर सपोज करिए ना कि कोई लोग नीट वगैरह मेडिकल वगैरह कर रहा है, तो गोल आकाश वगैरह ये सब का पेपर सॉल्व करा सकते हैं, या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा सकते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा बच्चों का डिमांड रहेगा या बच्चों में ज्यादा से ज्यादा फेमस है। अगर आप उन चीजों को लेकर के काम करेंगे ना, तो आपके बच्चे लेक्चर को देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसका बेनिफिट लेंगे। तो ये था मेरे तरफ से वीडियो उन सारे टीचरों के लिए जो ऑनलाइन में आना चाहते हैं या ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं और अपनी कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं, ताकि इन फ्यूचर में उन बच्चों को कोर्स सेल कर सके, साथ ही साथ कुछ रेवेन्यू वगैरह जनरेट कर सके। और अगर इसमें किसी भी तरीके का हेल्प या एप्लीकेशन बनाने से रिलेटेड, और अगर आप ये सारे फेज क्लियर कर चुके हैं और आप YouTube पर सक्सेसफुली ग्रो कर रहे हैं और आप चाहते हैं अपना एप्लीकेशन बनाना, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7277804691, इस पर आप कॉल कर लीजिएगा, आपको एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर मिलेगा सारी चीज़ें बता दी जाएगी। साथ ही साथ आई बटन पर मैं लिंक दे रहा हूँ, जहाँ पे मैंने अपने एप्लीकेशन के सारी फीचर के बारे में आपको बताया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।